शनिवार 16 सितंबर को नागपुर स्थित तपस्या स्कूल चौक शाही होंडा पॉइंट मानीवाड़ा रिंग रोड पर विधायक मोहन मते के जनसंपर्क कार्यालय का लोकार्पण समारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न हुआ है। इस वक्त विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि 2019 से दक्षिण नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पद पर विद्यमान मोहन मते का यह दूसरा जनसंपर्क कार्यालय है, जहां वह जनता की समस्याओं का मुआयना करेंगे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस समय लोकार्पण समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विधायक मोहन मते को विशेष रूप से शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ इस कार्यालय द्वारा जनता की समस्याएं सुलझाने में सहायता होगी, यह विश्वास भी इस वक्त व्यक्त किया। आपल्या सगळ्यांनाही शुभेच्छा देतो। मला एका कार्यक्रमाला जायचं आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने, महालक्ष्मी पूजनाच्या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो। माझं बोलणं संपतो, माझ्याबरोबर जोरात बोला, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता। इस समय भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने विधायक मोहन मते को शुभकामनाएं प्रदान की, जहां उन्होंने कहा कि विधायक मोहन मते यह जनता के विषय में सोचने वाले नेता हैं और यकीनन इस कार्यालय द्वारा जनता को अपने विधायक से मिलकर समस्याएं सुलझाने में आसानी होगी। भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण नागपुर चे लोकप्रिय आमदार ज्यांनी अनेक दिवसांपासून अनेक वर्षांपासून जनतेची सेवा करण्याचा प्रण केला आहे, निश्चितच ते जनतेची सेवा पण करतात आहे। त्यांचे दोन कार्यालय आज होत आहेत, एक आधीचं त्यांचं कार्यालय होतं, पण रिंग रोडच्या इकडच्या लोकांना म्हणजे मानेवाडा विठ्ठल नगर या भागातील लोकांना कार्यालयामध्ये यायचं सोयीचं नव्हतं, पण त्यांच्या सोयीसाठी मोहन भाऊ परत धावून आले आणि आपलं दुसरं कार्यालय इथे त्यांनी सुरू केलं। त्या दुसऱ्या कार्यालयाला आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा शहराचा अध्यक्ष या नात्याने शुभेच्छा देतो आणि निश्चितच ह्या कार्यालयातून अनेक लोकांचे समस्या समाधान होतील, त्यांच्या समस्यांचं निराकरण होतील। या भागात ह्या कार्यालयामध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती हा रडत जरी आला तो हसत हसत जाईल। ह्यात माझ्या शुभेच्छा, जय श्रीराम। इस समय अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मोहन मते ने सबका धन्यवाद किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई दिनों से कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क कार्यालय हो, क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में जनता हमसे मिल पाए। इसके अनुरूप आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हो चुका है, जिससे कि निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याएं और प्रश्न सुलझाने में आसानी होगी। कहीं नहीं, एक जो कार्यालय है बहुत दिनों से इस एरिया में हमारा कार्यालय होना चाहिए, सभी कार्यकर्ता की इच्छा थी, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं थी, जगह न मिलने के कारण। और अन्य मेजर स्पॉट था जहाँ पे सब लोग एकत्र आ सके, सबको कन्वीनियंट होने जैसा स्पॉट चाहिए था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ने, उनकी खुद की जगह थी, उन्होंने बोला कि हम खुद ही कार्यालय बना लेते, कि जिसके कारण इस परिसर में जो भी जनता है वो जनता को आना सुकर होगा और उनके काम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सब काम के लिए रेशम आना पड़ता था। और इसलिए हमने तय कर लिया कि मानेवाड़ा रोड पर सबके लिए कनेक्टिविटी के लिए ये कार्यालय मेजर सही स्थान पे है, और जिसके कारण सभी लोग ये कार्यालय में आ पाएंगे। कार्यालय में फायदे होने के लिए कार्यालय बना चाहिए। यहाँ के जो दो तीन प्रभाग है, मेजर प्रभाग 32, प्रभाग 34, प्रभाग 28, प्रभाग 29 और प्रभाग 33, ये पांच प्रभाग ऐसे है कि जो जिसके मिडल में ये है कार्यालय, जिसके पाँचों प्रभागों के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के जनता को जो जो उनकी आवश्यकता है उसके लिए लाभ होगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।